बिल्कुल, हम हमारी कोशिश है कि हम फिजिकल ट्रेनिंग में थोड़ा सा पहले 2-3 दिन काम करें, क्योंकि हमारे आगे फिटनेस टेस्ट भी हैं, तो उससे हमें ज़्यादा आइडिया हो जाएगा और होपफुली हम ज़्यादा फिट हो जाएंगे अगले जो हमारे, क्योंकि लॉन्ग शेड्यूल है उस वजह से हमें अभी करना पड़ रहा है। तो बिल्कुल ये अच्छा है, हमारे ट्रेनर ने हमें हमारे लिए रखा है कि हमारे फिटनेस टेस्ट वगैरह हो रहे हैं अभी, और अभी हमें आइडिया हो जाएगा और इंशाल्लाह हम इम्प्रूव करते रहेंगे। जी बिल्कुल, आप हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए हैं और आज एनर्जी भी जिस तरह की हमारी प्रैक्टिस हुई है तो पॉजिटिव एनर्जी थी। बिल्कुल, इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन है और लास्ट लास्ट T20 में रनर अप थी। बहुत अच्छी टीम है इस टाइम, लेकिन हमारे हमारे जिस तरह के प्रीवियस परफॉर्मेंसेस थी जब हमने इधर आए इधर टूर किए तो बहुत अच्छी थी, और होपफुली उसी को कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप से पहले हमारे पास एक अच्छा मौका है कि इतनी अच्छी टफ टीम के साथ खेलें और खुद की जो हमारी गलतियां और पॉजिटिव थिंक है उनको उनको उनका पता चल जाएगा। बिल्कुल, आपको पता है कि पहले हम HPL PSL खेल रहे हैं अपनी फ्रेंचाइज के लिए, तो उधर कम्पेटिव क्रिकेट खेलिए, लेकिन अब इधर आए हैं और इधर सेशन हुआ है तो इकट्ठे हो गए हैं दोबारा से। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस सीरीज़ के लिए और कोशिश कर रहे हैं कि जितने पॉसिबल इस कंडीशन से यूज टू हो जाएं। उस हिसाब से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारे कोचेस हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो होपफुली अच्छी सीरीज आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल, अब अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल फिट हुआ हूँ, तो कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग पे मेहनत की जाए। इंजरी की वजह से मैं इतना काम नहीं कर सका अपनी बॉलिंग पे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं फुल फिट हो गया हूँ, तो बॉलिंग पे इसी वजह से ज़्यादा काम कर रहा हूँ। और HPL PSL में अच्छी बॉलिंग हो रही थी, अच्छा रिदम नज़र आ रहा था, होपफुली वही कंटिन्यू करूंगा और आगे भी इसी तरह, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो बॉलिंग है। कोशिश करता हूँ कि बॉलिंग में जितने ज़्यादा आउट कर सकूँ पाकिस्तान के लिए अपनी टीम के लिए, तो इंशाल्लाह आगे भी जाके इंशाल्लाह बॉलिंग में अच्छा परफॉर्म कर। थोड़ा यहाँ बॉल, अगर आप वेदर चेंज हो जाए, अगर बादल बने तो थोड़ा सेम भी हो, सेम मूवमेंट होती है, तो कोशिश कर रहे हैं कि उस हिसाब से यूज टू हो। और अगर आपको पता है, अगर यहाँ धूप निकले तो ODI और T20 क्रिकेट में बहुत ही अच्छी पिचेस होती हैं, तो एज ए बॉलिंग यूनिट हमें वेरिएशन के साथ बॉलिंग करनी पड़ेगी यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसी पर काम किया जा रहा है।